नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये केस स्टडीज प्रश्न कुंडली पर आधारित है। एस्ट्रो वास्तु जो एडवांस रेमेडीज हैं वो प्रश्न कुंडली पर भी उसी तरह काम करता है जैसे वह जन्म कुंडली पे काम करता है। इस प्रश्न कुंडली का डेटा यदि आप देखें तो माउस जहाँ जा रहे वहाँ देखें, 18 अप्रैल 2020 का है और सुबह का 7:35 और 45 सेकंड का है। कम्युनिकेशन जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक क्लाइंट है, ये मेरे पास आए और इनका था कि एक जोशी ने फ़ोन आना चाहिए था, यानी ये फ़ोन नहीं करेंगे उस पार्टी का फ़ोन आना था। पार्टी कौन सी है आपको यदि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी तो मैं KP सिग्निफिकेटर दिखा रहा हूँ प्लैनेट्स का, आप पता चल जाएगा। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, यहाँ देखिए राहु की महादशा और गुरु की अंतरदशा चल रही है। गुरु क्या सिग्निफाई कर रहा है? 5, 8, 9, 12, 5, 8, 12 प्रॉब्लम इन लव रिलेशनशिप टूट भी जाता है, यानी इन्हें अपनी प्रेमिका की तरफ से फोन कॉल इन्हें था कि वो कॉल करे। प्रॉब्लम इन्होंने क्या बताया कि इनकी प्रेमिका के घर वाले इनके लव अफेयर के बारे में जान गए हैं और उसका मोबाइल छीना जा चुका है, तो अब कांटेक्ट इनका उससे नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, आइए देखते हैं। तो वहीं उस टाइम का मैंने कुंडली बना ली, चूँकि इनका अपना बर्थ डिटेल्स पता नहीं है। तो उस टाइम में अब इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली को जब आप देखेंगे कम्युनिकेशन का हाउस थर्ड होता है, लव रिलेशन इनका तो है ही ऑलरेडी फिफ्थ हाउस क्लियर है, दशांतर दशा में भी एक्टिवेट है। वो क्या होगा क्या नहीं अभी हमारा वो मेन मुद्दा नहीं है, हमारा मेन है इनके क्वेश्चन पे आने का। तो इस थर्ड हाउस पर हमको इसे एक्टिवेट करना है। इस थर्ड हाउस पे जब एडवांस एस्ट्रो वास्तु का जब एनालिसिस मैंने किया तो पता चला जो अंतरदशा वाला ग्रह है जुपिटर, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से इसका बैड एस्पेक्ट इस पर आ रहा है। मैंने इस बैड एस्पेक्ट को तोड़ते हुए इन्हें कहा कि आप पीले कलर का पेंट या पीला स्केच उसके द्वारा अपने पैरों में एक छोटा सा निशान बना लें, जिससे क्या होगा कि यह एस्पेक्ट टूट जाएगा। अब वह एस्पेक्ट टूट गया, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम इनको आ रहा था, गुरु ग्रह जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब मुझे क्रिएट करना था कम्युनिकेशन यानी थर्ड हाउस, उसके लिए मैंने चंद्रमा को एक्टिवेट किया थर्ड हाउस की राशि में। थर्ड हाउस की राशि में एक्टिवेट करने के लिए मैंने उन्हें सिल्वर पेंट को अपने सीने पर लगाने को बोला और एक सप्ताह बाद 25 या 26 तारीख को उन्होंने मुझे बताया कि उसका कॉल आया हुआ था इनकी गर्लफ्रेंड का, और वहीं जो बातें इन्होंने मुझे बताई थी कि फ़ोन उसके पास नहीं है, उसने काफ़ी कोशिश के बाद अपनी किसी सहेली का मोबाइल लेकर और फिर इनसे कांटेक्ट किया था। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि एस्ट्रो वास्तु जो एडवांस रेमेडीज़ होती हैं वो प्रश्न कुंडली में भी कारगर हैं, चाहे हेल्थ का रिलेटेड इशू हो या जॉब का हो, पेमेंट ब्लॉकेज का हो, यानी एक क्वेश्चन आपका हो वंस ए टाइम तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। 24 घंटे से लेकर और एक सप्ताह के बीच में प्रॉब्लम के आधार पर है, 24 घंटे के अंदर भी लोगों को रिजल्ट मिले हैं। आगे भी मैं अपनी कुछ केस स्टडीज आपको शेयर करूंगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद।